with the name of Allah Almighty. Importance of being earnest. Text, Act 1 के near about last 4 या 5 pages हैं और यहाँ पर Algernon का डायलॉग है. Yes, but it's hereditary, my dear fellow. Page number 166 or according to your book? 118. 118. बात हो रही थी, जैक ने कहा है मैं अपने भाई से छुटकारा पा लूँगा, मैं अपनी फैमिली को जाकर बताऊँगा कि मेरे भाई को एक दौरा पड़ा है गुस्से का और मर गया है. Algernon उस पर कहता है यस बट इट्स हेरिडिटरी माय डियर फेलो. हाँ मेरे दोस्त, लेकिन ये तो मरूसी बीमारी है. इट्स अ सॉर्ट ऑफ थिंग दैट रन्स इन फैमिलीज. ये इस तरह की चीज़ है जो खानदानों में चलती जाती है. यू हैड मच बेटर से आ सवियर चिल. मेरे ख्याल में बेहतर है तुम कहो कि सवियर चिल, शदीद सर्द महरी की वजह से मर गया वो. यानी कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई गुस्से वाली बात नज़र नहीं आती, तुम्हारी फैमिली के अंदर कोई मुझे ऐसी सीरियसनेस नज़र नहीं आती, तुम्हारी ख़ानदान के अंदर ये एंगर के दौरे पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है. और ये बात कॉमनली है, लोग अक्सर कह रहे हैं जी दादा बड़ा इसका गुस्से वाला था तो ये बच्चा भी गुस्से वाला है. ये अक्सर बातें कहते हैं और इस बात पर खुश होते हैं. हालांकि ये एक बीमारी है और हकीकतन बीमारी है. यू आर श्योर सीवियर चिल इज़ नॉट हेरिडिटरी. आ क्या तुम्हें यकीन है कि शदीद सर्द महरी होना या सर्दी लगना ये विरासती नहीं है और एनी थिंग ऑफ दैट काइंड, या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं ये? ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट, यकीनन ये नहीं है. वेरी वेल देन माय पुअर ब्रदर अर्नेस्ट इज कैरिड ऑफ सडनली इन पेरिस बाय अ सीवियर चिल. फिर मैं कहूँगा मेरा भाई पेरिस के अंदर शदीद सर्दी की वजह से मर गया. दैट गेट्स रिड ऑफ हिम, ये चीज़ उसे छुटकारा दे देगी. बट आई थॉट यू सेड दैट, लेकिन मैंने सोचा कि तुमने कहा कि मिस कार्डियो वाज अ लिटल टू मच इंटरेस्टेड इन योर पुअर ब्रदर अर्नेस्ट, कि तुम्हारी सिसली जो है, सिसली कार्डियो, छोटी कार्डियो, वो उस भाई के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. वुडंट शी फील हैज लॉस अ गुड डील, क्या वो इस नुकसान को एक बड़ा मामला ट्रबल नहीं समझेगी? ओ दैट इज़ ऑल राइट, ये ठीक है. सिसली इज़ नॉट अ सिली रोमांटिक गर्ल, सिसली सिली बेवकूफ़ रोमांटिक लड़की नहीं. आई एम ग्लैड टू से, मुझे कहते हुए खुशी होती है. शी हैज़ गॉट अ कैपिटल एपिटाइट, काफ़ी सारी वो भूख महसूस करती है. गोज लॉन्ग वॉक्स, लंबी लंबी वो वॉक करती है. एंड पेज नो अटेंशन एट ऑल टू आर लेसन्स, और अपने लेसन पर कोई तवज्जो भी नहीं देती. तो जो बेवकूफ़ लड़कियाँ होती हैं वो लेसन पर तवज्जो देती हैं, गौर से सबक पढ़ती हैं. अगर आप समझदार हैं तो फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है? हाँ, तो पैराडॉक्स तो ठीक उसने इस्तेमाल किया है कि लड़की अगर सिली है, रोमांटिक है, तो फिर तो और मसला था. लेकिन वो मुझे यकीन है ठीक ठाक खाती पीती है, वॉक भी करती है और पढ़ती भी नहीं है. समझो कि वो लड़की बेवकूफ़ नहीं है. आई वुड रैदर लाइक टू सी सिसली. हमें भी तो ज़रूरत पड़ती है ना कि पंजाब यूनिवर्सिटी कहे, डिग्री दे, तो पता चलेगा हम समझदार हैं. अदरवाइज हम समझदार नहीं हैं, हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते. आज तक मैंने अभी तक तो करेक्टर कोई ऐसा नहीं देखा जो वैसे नॉलेज गेन कर रहा हो इधर उधर और वो ठीक ठाक कमा भी रहा हो और कहे कि ये डिग्रीज कुछ नहीं होती. ऐसा पॉसिबल है, लेकिन सर वो एक लड़की नहीं थी जो लिख रही थी तो अचानक उसने अपना हाथ रोक दिया, सबको कह दिया तुम लोग आप जा रहे हो, वगैरह लिखी जा रहे हो. हाँ हाँ, एक डिग्री गेन करने के लिए. हाँ 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 हाँ, ये बात है. कुछ ऐसा मामला भी होता है. कुछ लोगों को आपको पता है ना कि फिर यूनिवर्सिटी एजाजी डिग्री देती है, पीएचडी की, जैसे डॉक्टर तहर तहरुल कादरी को भी मिली है, कुछ और लोगों को भी मिली है. तो अगर वो कोई बड़ा एक्ट करते हैं, काम करते हैं, तो अगर आप लोग बैठकर कोई ऐसी स्टोरी लिख दें जो 10 पेजेस की हो
और उसमें पाकिस्तान के सॉल्यूशंस आ जाएं, हल आ जाएं, जिससे पॉलिटिशियन भी खुश हो जाएं, लस्ट वाले लोग, पैसा इकट्ठे करने वाले भी खुश हो जाएं, कॉमन पीपल भी प्रॉस्पीरियस हो जाए, तो बड़ी बात होगी ना। उस एक 10 पेजेस की वजह से आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ बुलाएंगी कि आ जाइए हमारे यहाँ लेक्चर भी दिया करें, आप तो बड़े ज़हीन हैं, आपने सोल्यूशन निकाल के दे दिए सारे। आई वुड रेदर लाइक टू सी सिसिली, मैं सिसिली को देखना चाहूँगा। आई विल टेक वेरी गुड केयर यू नेवर डू, मैं बहुत ख्याल करूँगा कि तुम कभी ऐसा ना कर सको। शी इज एक्सेसिवली प्रेटी, वो इंतहाई खूबसूरत है, एंड शी इज ओनली जस्ट 18, अभी तो वो छोटी लड़की है 18 साल की। Have you told Gwendolyn yet that you have an excessively pretty ward? क्या तुमने Gwendolyn को बताया है कि तुम्हारे पास एक खूबसूरत वार्ड भी है, तुम्हारी निगरानी में कोई लड़की भी है, who is only just 18, जो महज 18 साल की है? Oh, one does not blurt these things out to people. एक आदमी को इस तरह की बातें लोगों के सामने नहीं बभकनी चाहिए, लोगों के सामने नहीं बकनी चाहिए। सिसिली एंड खाडू आर परफेक्टली सर्टेन टू बी एक्सट्रीमली ग्रेट फ्रेंड्स, और सिसिली और खाडू यकीनी तौर पर, यकीन है इस बात का कि वो इंतहाई अच्छी दोस्त बन जाएंगी। आई विल बेट यू एनीथिंग यू लाइक, मैं शर्त लगा सकता हूँ इस तरह की चीज़ पर, दैट हाफ एन आवर आफ्टर दे हैव मेट, कि आधा घंटा गुजरेगा उनको मिले हुए, दे विल बी कॉलिंग ईच अदर सिस्टर्स, वो एक दूसरे को सिस्टर कहनी शुरू कर देंगे। अल्जर्नन, वुमन ओनली डू दैट व्हेन दे हैव कॉल्ड ईच अदर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स फर्स्ट, औरतें एक दूसरे को बहने उस वक्त कहती हैं जब वो एक दूसरे को काफ़ी कुछ कह चुकी होती हैं, यानी कि औरतें दूसरी एक औरत दूसरी औरत को बहन उस वक्त कहती है जब उसे गालियाँ देती है, लड़ाई करती है, उसकी चुटियाँ खींचती है, अब्यूज़ करती है, फिर कहते नहीं तुम तो मेरी बहन हो, अदर तो बहन नहीं कहती, असल में फ्रेंड कहती है, दोस्त, ठीक है, बहन के अलावा उस वक्त इस्तेमाल करते हैं हम भी जब लड़ाई होती है हमारी। नाउ माई डियर बॉय, इफ वी वॉन्ट टू गेट अ गुड टेबल एट विल्स, मेरे प्यारे दोस्त, अगर विल्स पर तुम अच्छी टेबल हासिल करना चाहते हो, यानी कि विल्स होटल पर खाना खाना चाहते हो, वी रियली मस्ट गो एंड ड्रेस, मेरे ख्याल में हमें लाजमी जाना चाहिए और ड्रेसिंग कर लेनी चाहिए। डू यू नो इट इज नियरली 7, तुम्हें पता है 7 बज चुके हैं। जैक इरिटेबली परेशान होते हुए, ओ इट ऑलवेज इज नियरली 7, ओह हर वक्त 7 ही बजते रहते हैं। वेल आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई नेवर न्यू यू व्हेन यू वर नॉट, मुझे कभी नहीं मालूम पड़ा कि किस वक्त तुम हंग्री नहीं होते, हर वक्त तुम भूखे भूखे होते हो। व्हाट शैल वी डू आफ्टर डिनर, गो टू थिएटर, डिनर के बाद हम कहाँ जाएंगे, थिएटर में जाएंगे। ओह नो आई लूज लिसनिंग, लूज नफरत करता हूँ, मैं सुनने से नफरत करता हूँ। वेल लेट अस गो टू द क्लब, क्या खाना खाने के बाद हम क्लब जाएंगे। ओ नो आई हेट टॉकिंग, मैं गोसिप गपशप से परहेज करता हूँ, उसे नफरत करता हूँ। वेल वी माइट थ्रो राउंड टू द एम्पायर एट 10, तो फिर ठीक है शाम को 10 बजे हम प्लेस एम्पायर, एम्पायर की जगह पर कोई मकाम का नाम है, वहाँ पर ट्राउट घोड़ सवारी करेंगे, घोड़े पर बैठकर सैर करेंगे। ओह नो आई कांट बेयर लुकिंग एट थिंग्स, इट इज सो सिली, नहीं मैं चीज़ों को नहीं देख सकता, चीज़ों को घोड़े पर बैठकर देखना इंतहाई बेवकूफाना लगता है। वेल व्हाट शैल वी डू, क्या करेंगे, नथिंग, हम कुछ नहीं करेंगे। इट इज ऑफुल हार्ड वर्क डूइंग नथिंग, कुछ ना करना खौफनाक किस्म का काम है, बहुत बड़ा काम है कुछ ना करना। However, I don't mind hard work. गो कि मैं hard work को mind नहीं करता, hard work जब भी मेरे ऊपर आता है मैं कर लेता हूँ। Where there is no definite object of any kind, जब ख़ास कर कोई मकसद ना हो करने में, जिस काम को करने में कोई मकसद ना हो वो काम करना इंतहाई मुश्किल होता है। जिस काम करने में कोई मकसद ही नहीं है,
तो वो काम करना इतना ही मुश्किल होता है, और नथिंग है, कुछ भी नहीं है, और वो कहता है मैं बस इस तरह के काम को माइंड नहीं करता। ये बात सही कह रहा है कि जिस काम का मकसद नहीं होता वो काम करना सबसे मुश्किल होता है। कुछ ना करना मुसीबत बन जाता है आपके लिए। आपको रूम में बिठा दिया जाए सोफे के ऊपर, आपको कहें कुछ ना करें, तो आप मेरे ख्याल में 2 घंटे बाद बोर हो जाएंगे, और वहाँ बैठना इंतहाई मुश्किल काम होगा। ये बात आप कभी आर्मी के लोगों से पूछें, जो बेचारे वहाँ कुछ भी नहीं करते और वहाँ पर बड़ी मुश्किल से पक जाते हैं उनके जहन। वेटिंग रूम में बैठा हो बोर हो जाता है, अब तो शुक्र है हमारे पास ये मोबाइल वगैरह हैं, तो इस मोबाइल को हम गेम्स वगैरह या चैटिंग या फेसबुक यूज़ करते हैं। इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा ज़रिया वैसे क्या है इस वक्त? इंटरनेशनली पूरी दुनिया कह रही है कि इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा ज़रिया इंटरनेट है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग कहाँ रहते हैं? दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पाकिस्तान एंड इंडिया, सबसे बड़ा बल्क इंग्लिश बोलने वाला इंडिया में है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन और तेज तरीन इंग्लिश सीखने का सोर्स इंटरनेट है। आप इंटरनेट पर जाएंगे, अपने सब्जेक्ट के बारे में सुनेंगे, कुछ कोई लेक्चर सुनेंगे, कोई यूट्यूब पर सुनेंगे, आप किसी से चैट करेंगे, बात करेंगे, तो इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे ना, तो वो। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मेरे सामने जब आप इंग्लिश बोलेंगे हिचकिचाएंगे, या मुझे जब इंग्लिश लिख कर देंगे तो शायद थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, आप हेजिटेट फील करेंगे, लेकिन जब आप किसी से चैट करेंगे आप हेजिटेट नहीं करते। आपके पास पूरा टाइम होता है कि आप गो का बटन, इंटर का बटन दबाने से पहले जितना मर्जी उसे एनालाइज कर लें, अच्छा कर लें। अगर आपकी बात उसने नेक्स्ट ने फॉलो कर ली तो आपकी इंग्लिश ठीक है, अगर नेक्स्ट ने फॉलो नहीं की तो उसने कहना है व्हाट, व्हाट डू यू मीन, उसे कहना है, तो आपने फिर अपनी इंग्लिश को सेल्फ खुद ठीक करने की कोशिश करनी है। और जितना आप आर्टिकल पढ़ते जाएंगे, चीज़ें पढ़ते जाएंगे, इंग्लिश ये बात हमें कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपनी रोजी पर लात मारने वाली बात है। लेकिन इनिशियल स्टेज पर इंग्लिश को सीखने की फिर भी ज़रूरत पड़ती है, ओके? लेकिन सबसे बड़ा सोर्स ये है, आपको बता दिया गया, क्योंकि आप 2 ईयर्स के बाद टीचर हैं और इस वक्त भी टीचर हैं। अगर आप मास्टर इंग्लिश कर रहे हैं तो आपको पढ़ाना चाहिए, साथ इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, चाहे अकेडमी में 1/2 घंटा पढ़ाएं, 1 आवर पढ़ाएं, आपको पढ़ाना चाहिए, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास 3 मंथ गुजरेंगे उस वक्त आपके अंदर इतने आइडियाज़ आ जाएंगे कि आप कहेंगे कि मेरी बात कोई सुने। शेयर करने के लिए आपके पास प्लेटफार्म होना चाहिए, ये अच्छी बात है, और अपना बोझ खुद उठाना सीखिए। आखिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप पर हो चुकी है, 15 साल की, 16 साल की, 16 साल की मैं एज नहीं बता रहा आपकी, स्टडी बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। लेन, इंटरलेन, लेन आता है, मिस फेयरफैक्स इंटर गैंडोलिन लेन गोज आउट, गैंडोलिन दाखिल होती है और लेन चला जाता है, तो इंटर गैंडोलिन लेन गोज आउट। एल्जेनन, गैंडोलिन अपॉन माय वर्ड गैंडोलिन आ गई है, कोई शक नहीं, ऐसे कह रहा है जैसे कोई क्वीन आ गई हो वहां पर। गैंडोलिन, एलजी काइंडली टर्न योर बैक, एलजी मेहरबानी करके जरा मुड़ जाओ, आई हैव समथिंग वेरी पर्टिकुलर टू से टू मिस्टर वर्देन, मिस्टर वर्देन को मैंने कोई अहम चीज कहनी है। रियली गैंडोलिन, आई डोंट थिंक आई कैन अलाउ दिस एट ऑल, वाकई गैंडोलिन मैं नहीं सोचता कि मैं तुम्हें इजाजत दूंगा ये बातें करने की। गैंडोलिन, LG, you always adopt a strictly moral attitude toward life. LG, तुम हमेशा इख्तियार कर लेते हो सख्त गैर अखलाकी रवैया जिंदगी के बारे में, सख्त गैर अखलाकी रवैया जिंदगी के बारे में। याद करें LG ने क्या कहा उसे, कि मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम मेरी मौजूदगी में जैक वर्दन से कोई ऐसी बात कर सको। वो कह रहे हैं
ये तो बहुत ही गलत गैर इखलाकी बात है, यू आर नॉट क्वाइट ओल्ड इनफ टू डू दैट, तुम इतने बूढ़े तो नहीं हो गए, नहीं हुए कि तुम इस तरह की गैर इखलाकी हरकतें करो। कौन रोकता है लड़कियों को लड़कों से बातें करने के लिए? मेरा नाम ना ले लेना, अम्मी अब्बू दादा बड़ी उम्र के लोग, तो वो कहते हैं जी बड़ी उम्र के लोग जो है ना ये गैर इखलाकी हो जाते हैं, हैं सिर्फ सिर्फ भी रोकती है। तो कहते हैं एलजीत तुम इतनी बड़ी की बड़ी उम्र के आदमी तो नहीं हुए कि गैर इखलाकी काम करो। गैर इखलाकी काम ये है कि किसी को किसी से मिलने से रोको, और ये काम तो बड़ी उम्र के लोग करते हैं, गैर इखलाकी हरकतें। ये सारे मॉरल नए सेट हो रहे हैं। आप ये देखें कि इतना ड्रामा आप पढ़ चुके हैं, क्या इस तरह का ड्रामा लिखना आसान है? वैसे भी कहते हैं कि मजाक जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है, और मजाक के साथ उसने इस तरह सेंस पैदा किया है कि हर चीज़ उसे उलट करता है और हमें ठीक लगती है। हमें लगता है वाकई यार ये बात तो ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ठीक है, सोसाइटी का थोड़ा सा एज का डिफरेंस है। जैसे आज आप उस शख्स को क्रिटिसाइज करेंगे जो अब्बू बच्चे को पढ़ने नहीं जाने देगा, हालांकि 50 साल पहले तो ये मॉरल था कि बच्चे को बाहर नहीं निकलने देना बच्चियों को। इसी तरह अब ये इमॉरल बात है कि लड़की की ख्वाहिश के खिलाफ बाप उसकी शादी तय करके आ जाए, इसको गैर अखलाकी कहते हैं ना। तो आगे आने वाला मॉरल वहां पर ये पहुंच चुका है, हम थोड़े पीछे रहते हैं ना मॉडर्न सोसाइटी से, तो वहां ये मॉरल आ चुका है कि लड़की अगर लड़के को पसंद कर रही है और मिलना चाह रही है तो कोई उसके दिल में रुकावट कर रहा है तो गैर अखलाकी बात है, चाहे वो बूढ़ा आदमी है या नौजवान है। इस तरह आप यू कंसिडर करें अपनी यूथ के अंदर, अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई है तो दरमियान में एक दुश्मनान आशकान निकल आए तो आपको उस पर सख्त गुस्सा होता है, आप कहते हैं यार ये बंदा इंतहाई गंदा है, आप उसे बहुत बुरा कंसीडर करते हैं कि दो प्यार करने वालों के दरमियान में आ गया। तो ये बात वैसी है कि ये गैर इखलाकी बात है, और तुम इतने बड़े तो नहीं होगे कि तुम इखलाकियात ही भूल जाओ। वो कहते हैं बड़ी उम्र के जो आदमी होते हैं वो इखलाकियात भूल के बद तहजीब हो जाते हैं। जिस दिन अम्मी लोगों ने आपको मारा ना, उस दिन आपने कहना है कि आजकल कहना ठीक सी। तुझे ये नहीं कहना आजकल, तुझे ये कहना है कहना ठीक सी। अम्मी ने कहना की है कि अम्मी बस कहना ठीक सी। अलजनन रिटायर्स टू द फायर प्लेस, और अलजनन फायर प्लेस की तरफ चला जाता है जहाँ पर आग जल रही है। ओके माय ओन डार्लिंग, मेरी अपनी प्यारी, किसको कहा? व्हेन अर्नेस्ट, वी मे नेवर बी मैरिड, हम शायद कभी शादी ना कर सकें। फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑन मामाज फेस, मैंने अम्मी के चेहरे पर जो तासुरात देखे हैं, आई फेयर वी नेवर शैल, हम कभी नहीं कर पाएंगे। वी फ्यू पेरेंट्स नाउडेज पे एनी रिगार्ड टू वॉट देयर चिल्ड्रन से टू देम, चंद एक पेरेंट्स बाकी रह गए हैं आजकल जो अपने बच्चों की इज्जत करते हैं। बहुत थोड़े पेरेंट्स रह गए हैं जो बच्चों की इज्जत करते हैं, ठीक है। तो अब वैसे असल बात क्या है जी, बहुत थोड़े बच्चे रह गए हैं जो वालदैन की इज्जत करते हैं, तो बहुत थोड़े वो पेरेंट्स रह गए हैं जो बच्चों को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये पैराडॉक्स आप नोट कर लें, अच्छा है। द ओल्ड फैशन रिस्पेक्ट फॉर द यंग इज फास्ट डाइंग आउट, ओल्ड फैशन पुराने तर्ज के लोग रिस्पेक्ट करें नौजवानों की, ये चीज़ तेजी के साथ मरती जा रही है। वैसे हकीकत बात तो ये है जो ओल्ड फैशन होती है उसकी तो वैल्यू नहीं होती, नए फैशन की वैल्यू होती है ना। नई तरह का दुपट्टा, नई तरह का अबाया पहनेंगे, नई तरह की शर्ट पहनेंगे, कमीज पहनेंगे, तो उसकी वैल्यू है ना, ठीक है। तो पुराने जो वालदैन हैं या पुराने जो बाबे हैं उनकी तो इतनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए,
नौजवानों की ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नौजवान ज़्यादा सेंसिबल हैं और ज़्यादा समझदार हैं। ये बात लोग अब कहते हैं, भाई नवी नस्ल भाई बहुत तेज़ है, बहुत एक्टिव। जितना नॉलेज इस वक्त आपके पास है, इस वक्त जितना नॉलेज लड़कियों के पास है, आज से 50 साल पहले इतना नॉलेज बूढ़े लोग 100 साल ज़िंदगी जीने के बाद, मर्द एक्सपीरियंस की ज़िंदगी जीने के बाद भी उनके पास शायद नहीं होता था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब लोग बहुत, अभी आपको शायद वो यहाँ पर एक औरत आती थी हमारे पास, उसका बच्चा साथ होता था, शायद आपने देखा हो उसे। नहीं, एक और वैसे आती थी, उसका बच्चा साथ होता, उसका बच्चा हार्डली कोई 2 साल का होगा, और वो टैबलेट के ऊपर गेम खेलता था, टैबलेट चलाता खुद था, गेम खुद चलाता था और खेला। मैं कहते टैबलेट गिरा नहीं देता, टूटती नहीं है। उसका नहीं, ये बिल्कुल नहीं गिराता। मैं सरप्राइज हो गया इस बात पर कि बच्चे के अंदर इतना सेंस डिवेल्प हो गया है, कोई नीचे नहीं गिराता। और मुझे सायरा के भाई ने शॉक कर दिया था, ही वॉज हार्डली 8 साल का है, 9 साल, 8 साल का होगा, 8 साल का है वो। इधर से मुझे फेसबुक पूछ गया, आपकी फेसबुक क्या है, घर जाकर मुझे कहता है हाय फेसबुक, मैं कह हु आर यू, मैं वो हूँ, अपना नाम बताया। फिर मुझे मैसेज किया कि हाउ डू यू डू डूड। मैंने उसे चैट की अच्छी खासी, ही वॉज परफेक्ट। मैंने कहा वेरी गुड। और उसे स्कूल पसंद नहीं आते, उसे स्कूल पसंद नहीं आते, नहीं मामा ये स्कूल में नहीं जाना, ये सामने बैठी हुई है। तो बच्चे का इतना सेंस डिवेल्प हो गया, उस स्कूल में ग्राउंड नहीं है, वो स्कूल पसंद नहीं है, व्हाट्स एवर। अब बाकी बच्चे बहुत तेज़ हैं, एक्टिव हैं, तो फिर ओल्ड फैशन को नए लोगों की इज्जत करनी चाहिए फिर, और आपको करनी भी पड़ेगी। आप बैठे हुए हैं, मैं ठहरा हुआ हूँ, आप लोगों ने 16 ईयर लगाए हैं और यहाँ पर आकर इतनी अंडरस्टैंडिंग कैम्प की है, अभी तक आप लोग 20,000 रुपये नहीं कमा सकते 16 ईयर पढ़ने के बावजूद। और आपके बच्चे आएंगे और स्कूल भी नहीं जाएंगे शायद, और एक साल कोई काम खुद ही इंटरनेट पर बैठ के सीख लेंगे, या खुद ही इन्वेंट कर लेंगे, या खुद ही कोई बिजनेस शुरू कर देंगे, और वो आपको 40,000 कमा कर दें अगर, तो आप तो कहेंगे ना कि भाई इज्जत तो इसकी करनी चाहिए। जो बजट 40,000-50,000 घर में ले आएगा 15 साल की उम्र में, आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको फिर काम करना पड़ेगा 8 घंटे। या उसकी इज्जत करेंगे और मुफ्त में रोटी खाएंगे, या फिर आप खुद काम करेंगे 8 घंटे 9 घंटे, क्योंकि आपके पास तो वो वाला नॉलेज है ना। चलो, कुछ बातें समझ नहीं आएंगी, चलो बाद में आ जाएंगे। वट एवर इन्फ्लुएंस आई एवर हैड ओवर मामा, मामा के ऊपर मेरा जो भी इन्फ्लुएंस था, असर था, आई लॉस्ट एट द एज ऑफ 3। मैंने 3 साल की उम्र में खो दिया। बच्चा छोटा होता है ना, माँ के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, चीख मारता है, रोता है, मांगता है, माँ सब कुछ मानती है उसकी, उसका बड़ा असर होता है बच्चे का माँ पर। लेकिन जब बच्चा 3 साल से ऊपर जाता था, माँ कहते चुप करके बैठो, खबरदार बाहर नहीं जाना, तो ऐसा लगता है कि माँ के ऊपर बच्चे का इन्फ्लुएंस ही खत्म हो जाता है। बट ऑल दो शी मे प्रिवेंट अस फ्रॉम बिकमिंग मैन एंड वाइफ, हो सकता है वो हमें ये बनने में हमें दूर रखें इस चीज़ से कि हम मैन और वाइफ बन जाएं। एंड आई मे मैरी समवन एल्स, शायद मैं किसी और से शादी करूं, एंड मैरी ऑफन, शायद मैं बहुत सारी शादियाँ करती जाऊँ। Nothing that she can possibly do can alter my eternal devotion to you. लेकिन मेरी माँ मेरे अंदर से तुम्हारे लिए जो जज्बात हैं उनको तब्दील नहीं कर सकती। Dear Gwendoline, Gwendoline, the story of your romantic origin, तुम्हारे वो रोमानवी पुरिसरार origin, पैदाइश की जो story थी, as related to me by mama, जैसे मामा ने मुझे बताई है, विद अनप्लीजिंग कमेंट्स, वो मामा ने तो मुझे बहुत ही बुरी कमेंट्स के साथ बताई है, हैज नेचुरली स्टिर्ड द डीपर फाइबर्स ऑफ माय नेचर, उसने मेरी नेचर के डीप फाइबर्स को स्टिर कर दिया, एक्साइटेड कर दिया, यानी कि वो क्या करैक्टर हो तुम जिसके पेरेंट्स का पता ही नहीं है,
पता नहीं कहाँ से कोई देवताओं का बच्चा है, कौन है ये, गॉडली कोई चिल्ड्रन है, ये और एक्साइटमेंट है। योर क्रिश्चियन नेम हैज एन इरेजिस्टिबल फैसिनेशन, और तुम्हारा क्रिश्चियन नेम जो अर्नेस्ट नाम है, इसके लिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जिसको बेलगाम किस्म की दिलकशी है। द सिंप्लिसिटी ऑफ योर कैरेक्टर मेक्स यू एक्सक्वेस्टली बेहतरीन, एक्सीलेंट इसका मतलब होता है। और तुम्हारे किरदार की जो सिंप्लिसिटी है, ये बेहतरीन किस्म की इनकम्प्रीहेंसिबल टू मी, ये इंतहाई नाकाबिल समझ में ना आने वाली चीज़ है मेरे लिए। तुम्हारे चेहरे की संजीदगी बिल्कुल ना समझ आने वाली कोई चीज़ है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें देखती रहूँगी और तुम्हें समझती रहूँगी, ज़िंदगी गुजरती रहेगी। बड़े एक्साइटमेंट है। योर टाउन एड्रेस एट द अल्बानी, आई हैव अल्बानी के घर का एड्रेस तो मेरे पास है। व्हाट इज़ योर एड्रेस इन द कंट्री, इस इलाके में, देहात में तुम्हारा क्या एड्रेस है वो बताओ। द मैनॉर हाउस वोल्टन हार्टफोर्डशायर, ये मेरे देहात का कंट्री साइड का एड्रेस है। मैनॉर हाउस का मतलब वही होता है कि बड़ा फार्म हाउस। एल्जर्नन हु हैज़ बीन केयरफुली लिसनिंग, एल्जर्नन जो गौर से सुन रहा था, स्माइल्स टू हिमसेल्फ, अपने ऊपर मुस्कराता है, एंड राइट्स खुद ही खुद मुस्कराता है, एंड राइट्स द एड्रेस ऑन हिज शर्ट कफ, वो एड्रेस मैनॉर हाउस वोल्टन हार्टफोर्डशायर, ये एड्रेस अपने कफ पर लिख लेता है। देन पिक्स अप द रेलवे गाइड, और वो रेलवे गाइड उठा लेता है कि कौन सी ट्रेन जा सकती है इस जगह पर। ग्वेंडोलिन, देयर इज़ अ गुड पोस्टल सर्विस आई सपोज, मेरे ख्याल में वहाँ पर पोस्टल सर्विस तो अच्छी होगी, ख़त व किताबत या फ़ोन वगैरह का तो ज़रिया अच्छा होगा। इट मे बी नेसेसरी टू डू समथिंग डिस्पेरेट, हो सकता है कोई इंतहाई मायूस कुन खबर तुम्हें देनी भी पड़ जाए मुझे कि मेरी शादी हो रही है। दैट ऑफकोर्स विल रिक्वायर सीरियस कंसिडरेशन, तो वो संजीदा एक मसला होगा, उसको बताना पड़ेगा। आई विल कम्युनिकेट विद यू डेली, मैं डेली तुमसे बातें किया करूँगी। माय ओन वन, मेरी प्यारी अपनी वन। गडन, हाउ लॉन्ग डू यू रिमेन इन टाउन, तुम टाउन में कितनी देर रहोगे। टाउन से मुराद लंदन, गुड। टिल मंडे, गुड। एलजी, यू मे टर्न राउंड नाउ, एलजी तुम जरा इधर मुड़ जाओ। थैंक्स, आई हैव टर्न रॉन्ग ऑलरेडी, मैं तो पहले ही मुड़ा हुआ हूं। यू मे ऑल्सो रिंग द बेल, जरा घंटी बजाना। यू विल लेट मी सी यू टू यूर कैरेज, माई ओन डॉर्लिंग, मेरी प्यारी मुझे देखने दो कि तुम किस तरह कैरेज में बैठकर जाती हो। सर्टेनली, यकीनन। जैक टू लेन, हु नाउ एंटर्स, लेन जो आ गया है। आई विल सी मिस फेयरफैक्स आउट, मैं मिस फेयरफैक्स को जाने का कह रहा हूँ या जाते हुए देखता हूँ। यस सर, जैक एंड ग्वेंडोलिन गो ऑफ, जैक और ग्वेंडोलिन जरा आगे बढ़ जाते हैं। लेन प्रेजेंट्स सेवरल लेटर्स ऑन अ सॉल्वर टू एल्जर्नन, एल्जर्नन को बहुत सारे खतूत प्लेट में रखकर पेश करता है। कौन? इट इज टू बी सरमाइज्ड, मेरा ख्याल है दैट दे आर बिल्स, एज एल्जर्नन आफ्टर लुकिंग एट द एनवेलप्स टियर्स देम अप, ख्याल किया जाता है कि ये सारे लेटर्स बिल हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, शराब का बिल, ये सारे बिल्स हैं, और एल्जर्नन उनको देखने के बाद उनके एनवेलप को फाड़ता है, देखता है। एल्जर्नन, अ ग्लास ऑफ शीरी, लेन, लेन शीरी का गिलास ले आओ, ये अंगूर की निकली हुई इंतहाई एक्साइटमेंट पैदा कर देने वाली शराब है। यस सर, टुमारो लेन आई एम गोइंग बनबरिंग, लेन कल मैं जा रहा हूँ बनबरिंग पर, मैं बनबरी से मिलने जा रहा हूँ।
Yes, sir. Algernon, I shall probably not be back till Monday. मैं मंडे तक शायद वापस ना आऊं. You can put up my dress clothes. मेरे कपड़े तैयार करो. My smoke jacket. मेरी स्मोक जैकेट तैयार करो. मे बी कोई केस है, कोई चीज़ है जिसके अंदर सिगरेट रखे जाते हैं, या वैसे ही कोई स्मोक जैकेट नाम है किसी जैकेट का. एंड ऑल द बनबरी सूट्स, और बनबरी से मिलने के लिए जाने वाले तमाम सूट्स तैयार करो. यस, हैंडिंग शेरी, शेरी उसे देते हुए. I hope tomorrow will be a fine day, Lynn. मेरे ख्याल में कल एक अच्छा दिन होगा, Lynn. It never is, sir. Sir, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कल धूप निकले अच्छा दिन हो. Lynn, you are a perfect pessimist. Lynn, तुम बेहतरीन किस्म के एक मायूसी पैदा करने वाले आदमी हो. पक्के मायूस आदमी हो तुम. I do my best to give satisfaction, sir. Sir, मैं बेहतरीन कोशिश करता हूँ कि आपको सेटिस्फाई करूँ. मीन मालिक उस वक्त खुश होता है जब नौकर अपने दर्द के रोने रोता रहे और मायूस हो. मालिक उसी वक्त सेटिस्फाई होता है. अगर नौकर खुशहाल होगा तो मालिक तो उसे जेलस हो जाएगा, तो वो पेसिमिस्ट है. भाई मैं इतना ही मायूस आदमी हूँ. वो कहता है मैं आपको बेहतरीन सेटिस्फेक्शन देने के लिए अपने आप को मायूस कुन सैर करता हूं. और भाई मैं सिंपल बात कर रहा हूं, आपको उस वक्त सबसे बड़ा सदमा लगता है जब आपकी नुकरानी आप वाला सूट पहन के आ जाती है आपसे पहले. लगता ना सदमा? ठीक है, दिल चाहता है अंदर जाके सारा काट दे. ठीक है, या नुकरानी को देने ये भी तूपा. तो क्यों लगता है सदमा? ऐसा लगता है ना क्यों? इसलिए कि आप उसे इतनी बेहतर नहीं देखना चाहते. मेरे यहाँ काम करने जो आती हैं वो काम करने के लिए आई तो वो रिक्शे में बैठ के आती थी. मैंने कहा भाई ये औरत जो है चोरी करके जाएगी, और ये चोर तबीयत की जो रिक्शे में बैठ के आती है और रिक्शे में बैठ के जाती है. तो बाद में मुझे पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब थी. और वो इतनी रिस्पॉन्सिबल किस्म की लेडी है, मतलब मैंने दूसरा एक इंसान देखा जो इतना रिस्पॉन्सिबल था. ठीक है, एक पहले देखा था चाचा अली होता था, शी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. बिल्कुल वैसे उसने हर काम खुद करना है, आप कहने की जरूरत नहीं, बल्कि उसने खुद आकर उठाना है. उठे नहीं यहाँ से, मैंने काम करना है. अच्छा, वो फर्स्ट एक्सप्रेशन था ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन लाजमी नहीं कि बिल्कुल ठीक हो. फर्स्ट एक्सप्रेशन तो मेरा भी आप पर ठीक नहीं पड़ा होगा. आपने कहा होगा ये बस ऐसे ही है बंदा. अच्छा, इंटर जैक, लेन गोज आउट. जैक, देयर इज अ सेंसिबल इंटेलेक्चुअल गर्ल. ये इंतहाई सेंसिबल और जहीन लड़की है. द ओनली गर्ल आई एवर केयर्ड फॉर इन माय लाइफ. ये वह लड़की है जिसकी मैंने जिंदगी में परवाह की है. Algernon is laughing immoderately. और वो बेहुदा तरीके से हंसने लग गया है Algernon. What on earth are you so amused at? किस चीज पर आकर तुम इतने मजे ले रहे हो? Algernon, oh, I'm little anxious about poor Bunbury. मैं बेचारे बनबरी के बारे में थोड़ा सा गुस्से में हूँ, इसलिए मैं हंस रहा हूँ. पैराडॉक्स है, जब आपको किसी पर गुस्सा आता है तो आपका चेहरा तप जाना चाहिए, आपका चेहरा संजीदा हो जाना चाहिए, आपके नर्व तन जाने चाहिए. ठीक है, तो गुस्सा आ रहा है उसकी लामत है, लेकिन ये कहते हैं मैं इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है. तो जहरी बात है, आपको जब गुस्सा आता है तो हकीकत बात तो ये कि आपको उसके ऊपर हंसना चाहिए ना, ताकि वो बैलेंस हो जाए. गुस्सा जो आया है तो क्या हुक्म है? खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो पानी का गिलास पियो. ये तो नहीं क्या गुस्सा आ गया दांत बाहर निकाल और दांतों को भींच लें आपस में, मुट्ठियां दबा लें आपस में और दो जम मार के जोर से नारा लगाएं. ठीक है, सीधा हो जाओ, मैं आ रहा हूं. ऐसे करने का हुक्म है, उसका काउंटर करने का हुक्म है ना.
तो गुस्सा आपको आ रहा है तो क्या करना है, आपने हंसना है ना। मुन्ना भाई MBBS देखिए तो क्या करता था वो डॉक्टर, जब गुस्सा आता तो हंसने लग जाता था, तो कहते मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मुझे उस बेचारे बनबरी पर गुस्सा आ रहा है। अब घर जाके ये सारा कुछ ऐसे अम्मा जी मेरी बहुत गुस्सा करती थी, ठीक है। वो बाय प्रोफेशन जिस खानदान से थी वो कसाई खानदान था, तो वो बहुत गुस्से वाली थी अम्मा, तो बड़ा मारती थी। बस हम जब बड़े हुए तो एक दिन उसने मारने के लिए दौड़ी तो मैं चारपाई के ऊपर चढ़ गया, परली तरफ निकल गया, वो परली तरफ से तो उधर निकल गया, तो मारने के लिए आई तो जिस समय ताकत आ चुकी थी मैंने डिफेंस कर लिया, तो उसके बाद वो बोलने लग गई, उसको महसूस हुआ कि मैं हार गई हूँ और ये लड़का बड़ा हो गया। तो मैंने वो एक पाइप का टुकड़ा पड़ा था मैंने वो उठा लिया, अम्मा गालियाँ दे रही थी, मैंने आगे टुकड़ा कर दिया। मैंने कहा अच्छा और क्या कहना चाहती हैं आप। अच्छा वो बोलती गई, मैं आगे करता गया, अम्मा ज़रा बोलती गई, आखिर अम्मा हंस पड़ी, ठीक। तो सो दैट एटीट्यूड वॉज राइट, इंस्टेड ऑफ दैट कि उस गुस्से को मैं और बढ़ाता हूँ उसको किसी तरह कन्वर्ट कर दिया जाए। अब तो ये आप मरहून मिन्नत रहें इंडियन मूवीज के कि एक्शन से कॉमेडी की तरफ ले आए हमें 10 सालों के अंदर। पहले तो एक्शन मूवी घातक मूवी बनती थी, मार दो जला दो लड़ जाओ, अब कॉमेडी आ गई है। अगर अक्षय कुमार कार की जीप पर पांव मारता तो जीप उलट जाती है, हमें हंसी आती है। और आज हंसने के लिए हम कौन सी मूवी देखते हैं, मौला जट देखते हैं। अगर ज्यादा हंसने का मूड हो, कोई कॉमेडी ना हो, तो मौला जट मूवी लगा लेते हैं, बड़ी हंसी आती है कि उनके अजीबो गरीब हरकतों से। तो कहने का मतलब यह है काउंटर होनी चाहिए, सब चीज तब्दील होनी चाहिए। आप टीचर भी वैसे नहीं रहे, ये सारा इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर कॉमेडी का। बच्चे क्लास में बैठ के जोक करना चाहते हैं, टीचर भी जोक करना चाहते हैं, और स्टडी वैसे की वैसी हो रही है, बच्चे सेंस गेन कर रहे हैं, बच्चे बिजनेस भी कर रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो जो तने हुए नर्व थे वो कॉमिक में तब्दील हो गए हैं। ये लिटरेचर की ही मेहरबानी है, यानी कि मूवीज की। मूवीज आपका हिस्सा है, हनी सिंह आपका आपकी फैमिली से है, वो कोई और नहीं है। आमिर खान आपकी फैमिली का आदमी है, यानी कि आपकी इस लिटरेचर का आदमी है। जितने मूवी राइटर हैं, जगजीत सिंह है, दूसरा तीसरा, ये सारे आपके लोग हैं, हम शोबीज के लोग हैं। दरहकीकत पहले ड्रामाज होते थे, ये कमांड करते थे, अब मूवीज कमांड करती हैं। ये अभी मैंने भी सजेस्ट किया है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, और लोग भी करना शुरू कर देंगे, भाई ड्रामाज जहाँ रखें वहाँ पर आप मूवीज भी रखें। और आने वाले दौर में आपको ये 3 इडियट मूवी पढ़ाई जाएगी बच्चों को, ये PK मूवी पढ़ाई जाएगी। आप अगर हैरान हो रहे हैं तो ये ड्रामा जो आप पढ़ रहे हैं, तो पहले ये एंजॉयमेंट के लिए थिएटर पर देखा जाता था, आप पढ़ रहे हैं बैठकर और संजीदगी से पढ़ रहे हैं, पेंसिलें उठाई हुई हैं। तो जो एक्टिंग सीखने जाते हैं वो भी सिर्फ पेंसिल उठाकर बैठे होते हैं कि एक्टिंग कैसे करनी है, सीखते हैं समझते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। जो मूवी राइटर हैं वो भी इस तरह बैठे होते हैं, वहाँ पर तो इंडस्ट्रीज अमेरिका इंग्लैंड इंडिया, वहाँ तो बड़ी इंडस्ट्री है ना, वहाँ पर लोग मूवी पढ़ने जाते हैं बाकायदा। आमिर खान की एक एक एक्शन को जिसको हम समझ कर सोच कर छोड़ देते हैं, वो उसके ऊपर थीसिस करते हैं पूरे पूरे। भाई मुझे बताएं आपके BA के अंदर कोई मंटू नाम के राइटर का कोई चीज़ है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, मंटू के ऊपर मूवी कोई बनी है आजकल, एक मंटू मूवी बनाई है पाकिस्तान ने, ठीक है। और मंटू जो कल सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट था और इंतहाई बेहुदा और वल्गर आदमी था, उसके ऊपर ऑक्सफोर्ड PhD करवा रही है, ऑक्सफोर्ड PhD करवा रही है कह रहा हूं, ठीक है। तो ये हम शोबीज के, हम लोगों का बहुत बड़ा इंपैक्ट है सोसाइटी पर, हम सोसाइटी को अल्टर कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। शेक्सपियर आया तो उसने तब्दील कर दिया, अगर आमिर खान आ गया है, PK आ गई है, उसका राइटर आ गया है, तो सोसाइटी तब्दील हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि PK का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सोसाइटी पर, आपकी पाकिस्तानी सोसाइटी पर इंडियन सोसाइटी बहुत बड़ा इंपैक्ट है, उसके असरात सामने आ रहे हैं। आप देखें कई जोक्स आ चुकी हैं फेसबुक के ऊपर, कई बातें आ गई हैं उसकी लैंग्वेज के अंदर, वो इम्पैक्ट है। हम सब ये है कि हमें ये सिखाया जाता है शुरू से कि मजबूत ईमान रखना है और एक जगह पर कायम रहना है।
तो जिसकी वजह से हम थोड़ा सा स्टे रहते हैं, मानते नहीं है, तब्दील हो जाते हैं, मानते नहीं है। ठीक है जी, कहना चाहते हैं कुछ? रॉन्ग नंबर का, ठीक है। तो मैंने एक लेक्चर में कहा है, मैंने कहा है कि और मेरा राइट नंबर है दैट 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 दैट, ठीक है। मैं लेक्चर में यूज कर गया उसकी लैंग्वेज को एब्रप्टली, जानबूझकर नहीं, एब्रप्टली, जाना कि मेरे मुंह से निकल गया। मैं कुछ चीज समझा रहा था, मैंने कहा वो सारे रॉन्ग है, जिस तरह रॉन्ग नंबर कहता है और मेरा राइट नंबर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जैक, इफ यू डोंट टेक केयर योर फ्रेंड बनबरी विल गेट यू इन टू अ सीरियस स्क्रैप समडे। अगर तुमने परवाह ना की, लापरवाही करते रहे, तो ये बनबरी एक दिन तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में फंसा देगा, स्क्रैप में फंसा देगा, मुश्किल में फंसा देगा। आई लव स्क्रैप्स, मैं तो ट्रबल्स को पसंद करता हूँ। दे आर द ओनली थिंग्स दैट आर नेवर सीरियस, ये वह चीज़ें होती हैं जो संजीदा नहीं होती। जब आपके पास अपने कोई ट्रबल नहीं होते, तो आप तेरे नाम मूवी ले आते हैं, उसका ट्रबल देखते हैं। तो ट्रबल तो इंजॉय करने वाली चीज़ें होती हैं ना। आप अपने दोस्तों से पूछते हैं, यार क्या हालात हैं, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, तो ट्रबल इंजॉय किए जाते हैं। ओ दैट्स नॉन सीरियस सेंस, नॉन सेंस एल जी, यू नेवर टॉक एनीथिंग बट नॉन सेंस, नो बडी एवर डज, कोई भी कभी भी कुछ नहीं कहता, बस नॉन सेंस कहता है। और इस बात के ऊपर एक पूरा ड्रामा आपको पढ़ाना है, कोई कुछ भी नहीं कहता, बस नॉन सेंस कहता है, इसके ऊपर एक पूरा ड्रामा है जो आपको पढ़ाया जाएगा पार्ट टू के अंदर। ओके, वेटिंग फॉर गाडो। जैक लुक्स इंडिग्नेंटली एट हिम, और जैक भद्दे से अंदाज में, क्या कहते थे आपने, उसने डिसग्रेसफुल मैनर में वो देखता है एंड लीव्स द रूम, रूम छोड़ देता है। अलजनन लाइट्स अ सिगरेट, अलजनन एक सिगरेट जला लेता है। रीड्स हिज शर्ट कफ, शर्ट के कफ पर पढ़ता है जो कुछ लिखा है, एंड स्माइल्स, और